विस्तारवादी चीन के युद्धपोतों ने जापान के टेरिटोरियल वाटर में दाखिल होकर एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया। सेंकाकू द्वीप के नजदीक चीन के 3 युद्धपोतों का मूवमेंट देखा गया। चीन के युद्धपोत ने जापान की शिपिंग बोट को ट्रैक भी किया, पर जापानीज नेवी की वार्निंग के बाद चीन के शिप लौट गए। कब्जाधारी चीन का काउंटर करने के लिए जापान सी में क्वाड देशों की नेवी शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस वॉर रिहर्सल में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी एंटी सबमरीन ड्रिल करेंगी, तो तेज डिप्लॉयमेंट, सर्विलांस और पेट्रोलिंग सिस्टम पर भी जोर रहेगा। ईस्ट एशिया में अमेरिका ने एडवांस्ड और सबसे घातक युद्धपोतों को डिप्लॉय किया है, तो पैसिफिक में अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती भी कर रहा है। चीन और नॉर्थ कोरिया की चुनौती को देखते हुए यूएसएस जुमवाल्ट को भी मोर्चे पर लगाया गया है। तानाशाह किम जोंग की जंगी सनक लगातार बढ़ रही है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि पूर्वी तट उत्तर कोरिया ने घातक मिसाइल दागी हैं। जापान के तट रक्षकों ने भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की पुष्टि की है। ईरानी फोर्स ने आज कुर्दिश रूट के ठिकानों पर जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक की। इरबिल से 60 किलोमीटर दूर कोया में कुर्दिश ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। ईरान फोर्स के इस स्ट्राइक में 2 कुर्दिश लड़ाके मारे गए तो 15 गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। रूस की न्यूक्लियर हमले की धमकियों के बीच पुर्तगाल में नेटो देशों की फोर्सेज ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस वॉर रिहर्सल में तुर्की ने पहली बार अनमैन्ड सरफेस व्हीकल के जरिए डमी हमले की प्रैक्टिस की, तो युद्ध पोतों के जरिए भी डमी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। बैटल ग्राउंड में कई वॉर फ्रंट पर अब कब्जा छुड़ाने के लिए यूक्रेनियन आर्मी ने काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। एक मोर्चे पर ग्रेनेड अटैक से यूक्रेनियन आर्मी के जवान ने रूस फौज की मिलिट्री वैन को ध्वस्त कर दिया। डोनेस्क ओब्लास्ट में रूस और यूक्रेन के बीच अब तक का सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। रूस की ग्राउंड फोर्स और यूक्रेनियन ब्रिगेड के बीच ओब्लास्ट में सीधी मुठभेड़ हुई। इसमें आमने सामने की जंग में दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। रेफरेंडम के बाद यूक्रेन का करीब 15% हिस्सा रूस में शामिल करने की फुल तैयारी है। डोनेस्क, लुहांस, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में हुए जनमत संग्रह में रूस की प्रचंड जीत का दावा किया गया है, तो यूक्रेन और अमेरिका ने रूसी रेफरेंडम को खारिज करते हुए जवाबी एक्शन की वार्निंग दी है।